भगवान शिव के एक डरावने और असमय मंदिर जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों पूरी दुनिया में भगवान शंकर के बहुत सारे मंदिर हैं। ज्यादातर मंदिर हमारे देश भारत में मौजूद है। भगवान शिव जितने सरल और सीधे हैं, उतने ही वह रहस्य और आत्मक भी है। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसी मंदिर के विषय में जानकारी देंगे जो डरावने और असमयी है। यह मंदिर अरब सागर के तट पर है। इस मंदिर को लगभग 150 साल पहले खोजा गया था। इस मंदिर का वर्णन शिव महापुराण के रुद्र संहिता में किया गया है। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वह 4 फुट ऊंचा और 2 व्यास वाला है। यह मंदिर इसलिए रहस्यात्मक है कि यह मंदिर दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है, कुछ ही क्षणों बाद फिर से दिखाई देने लगता है। इस मंदिर को दर्शन भक्त लोग तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें बहुत कम हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि एक बार राक्षस तारकासुर ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की। तारकासुर की तपस्या से भगवान शिव खुश होकर प्रकट हुए। तब भगवान शिव तारकासुर से वरदान मांगने को कहा। तब वरदान में तारकासुर ने महादेव से कहा कि मुझे सिर्फ आपका ही पुत्र मार सकेगा, वह भी सिर्फ 6 दिनों का होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं मार सके, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और भगवान शंकर ने वैसा ही वरदान दिया और वही अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान शिव ने तारकासुर को वरदान दिया तो तारकासुर ने तीनों लोकों में सबको परेशान करना शुरू कर दिया। देवता ऋषि मुनि डर के मारे भगवान भोलेनाथ के पास पहुँच गए। देवताओं की बात सुनने के पश्चात भगवान भोलेनाथ कार्तिकेय को प्रकट किया और सिर्फ 6 दिनों में ही कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। जब पता चला कि भगवान भोलेनाथ का अन्य भक्त है तब उनको बहुत दुखी हुई। तब ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को कहा कि जिस स्थान पर तुमने तारकासुर का वध किया है उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना दो तो तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारा दुख दूर होगा। तभी भगवान कार्तिकेय ने अपना दुख दूर करने के लिए तारकासुर के स्मरण में अस्तम्भेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।